हेलो स्टूडेंट, ज्योग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें कुछ शब्द हैं जो स्टूडेंट के समझ में नहीं आते हैं। इन शब्दों को हम साधारण भाषा में समझते हैं। टॉपिक का नाम है सूर्यतप। सूर्यतप यानी इंसोलेशन। सूर्य से पृथ्वी के ऊपर जो विकिरण आती हैं या जो तापमान प्राप्त होता है, सूर्य से आने वाली विकिरण ही सूर्यतप होती है। सूर्यतप यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन, आगमिक सौर विकिरण, सूर्य से आने वाली विकिरण ही सूर्यतप है। हमारे वायुमंडल में धूलकण जलवाष्प विद्यमान होती है। जिन धूलकणों और जलवाष्प से सूर्य की विकिरण टकराती हैं और टकराने से सूर्यतप में कमी या कटौती हो जाती है। इसमें कुछ शब्द हैं। पहला शब्द है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन में सूर्यतप जो धूलकण विद्यमान होते हैं वायुमंडल में, उनसे विकिरण टकराती हैं और टकरा करके बिखर जाती हैं। इनके बिखरने से हमें दिन के समय आकाश नीला दिखाई देता है और सूर्य की विकिरणों के धूलकणों से टकराने पर जब फैलती हैं या बिखरती हैं तो इन बिखरने को ही क्या कहा जाता है? प्रकीर्णन। दूसरा शब्द है विसरण। विसरण को कहते हैं अवर्णात्मक प्रकीर्णन भी। सूर्यताप धूलकण एवं जल बूंदों पर गिरने से विसरण की प्रक्रिया होती है और सूर्यताप जो होता है या जो प्रकाश होता है वो फैल जाता है इधर उधर। इसके फैलने से जैसे कि हमें दिन के समय वृक्ष की छाया में और कमरे के अंदर वस्तुओं का दिखाई देना क्या है? विसरण प्रक्रिया ही है। जब सूर्य क्षितिज से 6 डिग्री नीचे हो तो इसे कहा जाएगा नागरिक सांध्य प्रकाश, और जब सूर्य क्षितिज से 18 डिग्री नीचे हो तब इसे कहा जाएगा खगोलीय सांध्य प्रकाश। एक शब्द आता है फिर परावर्तन। परावर्तन में क्या होता है कि सूर्य से आने वाली विकिरण धूल कणों से टकरा करके वापस लौट जाती हैं और इस वापस लौटने को ही क्या कहा जाएगा? परावर्तन। एक शब्द है अवशोषण। अवशोषण में क्या होता है कि जो जलवाष्प होती है वो सूर्य की विकिरणों को सोख लेती है और सोखने को ही क्या कहा जाता है? अवशोषण यानी ग्रहण करना। एक शब्द है फिर अपवर्तन। अपवर्तन और परावर्तन एक जैसे शब्द हैं लगभग, परंतु परावर्तन में क्या होता है कि सूर्य से आने वाले विकिरण धूल कणों से टकरा करके वापस लौट जाती हैं तो परावर्तन हो जाता है, और सूर्य से आने वाले विकिरण धूल कणों से टकरा करके जब विपरीत दिशा में मुड़ जाती हैं, अलग दिशा में मुड़ जाती हैं, तो उस मुड़ने को ही क्या कहा जाएगा? अपवर्तन। परावर्तन में सूर्यताप से जो आने वाली जो लघु तरंगे हैं वो सतह से टकरा करके परावर्तित हो जाती हैं, और ये जो परावर्तित होने वाली जो विकिरण होती हैं वो भी लघु तरंगे होती हैं, और जो सूर्य से आने वाली जो पृथ्वी के ऊपर विकिरण है वो भी लघु तरंगों के रूप में ही होती हैं। धन्यवाद।